फोकस करिएगा। हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग में कहाँ तक किए थे भाई, कहाँ तक तुम लोग को याद नहीं है, कहाँ तक किए थे भाई? फीचर्स लिमिटेशन ये सब कर लिए थे, फीचर्स भी किए थे, क्या क्या किए थे दिखा तो, क्या क्या किए थे? प्लानिंग का इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन, और क्या किए थे? फीचर्स। तो फीचर्स क्यों नहीं लिखे भाई, फीचर्स करा दिए थे, प्लानिंग का इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन और फीचर्स भी करा दिए थे। सुना? अच्छा, हम लोग चैप्टर कर रहे प्लानिंग, प्लानिंग का ये दूसरा क्लास है, अच्छे से सुनो। प्लानिंग का मतलब क्या करना भाई, योजना बनाना। क्या करना? किसी भी काम को करने से पहले बुक बंद कर दीजिए, बुक बंद कर दीजिए। किसी भी काम को करने से पहले क्या बनाते हैं? योजना। क्या बनाते हैं? बिना प्लान का अगर कोई काम करते हो, काम तुम्हारा फेल हो जाएगा। समझ पा रहे? प्लानिंग कहता है कि अगर आप प्लान करने में फेल हो चुके हैं, यानी ऑलरेडी एक तो प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें फेल होना है, हमें क्या होना भाई, फेल होना है। समझ पा रहे? तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना, कब करना है, किसके लिए करना है, किसके द्वारा करना है, ये सारे तमाम चीज हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई? प्लानिंग में। कहाँ करते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, प्लानिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या, बोलो जोर से, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? समझ रहे? प्लानिंग करने जाएंगे, ये तो बोल दिया कि भाई काम करने से पहले ही सोच लीजिए, तो आखिरकार हम सोचने जाएंगे तो कैसे सोचेंगे? इसका कुछ प्रक्रिया तो होगा। पहला प्रक्रिया है सेटिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोल रहे हैं? सेटिंग क्या? ऑब्जेक्टिव। पहले एकदम तय करो कि तुमको करना क्या है, पहले तय करो कि तुमको करना क्या है। पहला ये होना चाहिए कि आपको आखिरकार करना है तो करना क्या है, पहला ये होना चाहिए। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग क्या, ऑब्जेक्टिव। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि हमको मान लीजिए कचौरी का दुकान खोलना है, ऑब्जेक्टिव हो गया। कचौरी बेचना है, जनता को बनिया वाला कचौरी खिलाना है, बनिया रुपया कमाना है, ये क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव। तो उसके लिए ढांचा तैयार करो, क्या क्या लगेगा, डेवलपिंग प्रीमिसेस, माने ये पेज पे होगा, क्या क्या लगेगा, नहीं लगेगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, एकदम पेज पे तैयार करो, समझे? इसको हम कहते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। क्या कहते हैं? पेपर वर्क करो। समझ पा रहे? बनाइए कैसे कैसे क्या होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बोलो क्या बोले हैं? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बोलो क्या बोले हैं? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसको करने के लिए बहुत सारे दिमाग में तरीका आएगा, अल्टर तरीका आएगा, ऐसे करो, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। देखिएगा किसी चीज़ के बारे में सोचिएगा ना तो बहुत सारा दिमाग में आएगा। एग्जाम के बारे में सोचिएगा ना कि एग्जाम देना है तो बहुत सारा आइडिया आएगा। इस चैप्टर पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसका चिट बना लेते हैं, समझ, थोड़ा इसको शॉर्ट में याद कर लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं, आता है ना आइडिया। मैं उसमें से बेस्ट वाला आइडिया को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। एक बार आइडिया तो नहीं पढ़ेंगे, जाओ नसीब को छोड़ देते हैं, ये सबसे बेकार वाला आइडिया आता है। समझ में क्या बोल रहा है? हाँ, आइडिया आता कि नहीं आता है? तो ये क्या होता है? आइडेंटिफाई, मैंने बेस्ट वाला है, आपके हिसाब से बेस्ट है, सबके हिसाब से ये बेस्ट नहीं हो सकता है, समझे? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब दिमाग में चलता है कि नहीं चलता बताइए? आइडेंटिफाइंग क्या? अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, माने आप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को पहचानिए, समझ रहे हैं? क्या है कि एक काम के ऊपर में प्लान करोगे ना, बहुत सारा बात दिमाग आने लगेगा। तो सबको पहचानिए क्या क्या अल्टर हो सकता है, क्या क्या अल्टर हो सकता है, समझ पा रहे हैं? अब उस अल्टर में देखिए बेस्ट कौन है, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इवेलुएटिंग क्या, अल्टरनेटिव कोर्सेस। जो जो चीज आपके दिमाग में आया है ना, उसका मूल्यांकन करो कि कौन आपके लिए सही है और कौन सा आपके लिए खराब है। इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, इवेलुएटिंग क्या बोलो, अल्टरनेटिव कोर्सेस। आप इवेलुएशन करो कि जो जो आपके दिमाग में बात आया है, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए गलत है, ये इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस में करेंगे। समझ पा रहे? अब इतना हो गया तो जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट कर लो। समझ पा रहे? सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, क्या बोलो? सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, क्या बोलो? सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग क्या एंड अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव आप सोचे हो उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट मतलब क्या, तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है उसको चुनाव कर लो कि हाँ ये काम हमें करना चाहिए, सेलेक्टिंग। अब इतना करके क्या करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे कि लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ पा रहे? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान,
इम्प्लीमेंटिंग द क्या बोलो प्लान, दिमाग में प्लान कर लोगे, लागू नहीं करोगे तो कैसे सफल होगा। प्लान तो इम्प्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा, उस पर काम करना होगा। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, बोलो क्या बोले हैं, समझ रहे हैं? और उसको क्या करेंगे, फॉलो अप एंड रिव्यू करते रहेंगे। क्या करिए, फॉलो अप, देखते रहिए सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ पा रहे, कुछ चेंजेस लाना है तो लाइए चेंज, तो फॉलो अप एंड रिव्यू करते रहेंगे। ये पूरे के पूरे क्या है, फॉलो अप एंड क्या रिव्यू, ये पूरे का पूरे क्या है भाई, प्लानिंग का प्रोसेस है। प्लानिंग का क्या है, जोर से बोलो, प्लानिंग का क्या है प्रोसेस। तो पहला क्या बता, ऑब्जेक्टिव तय करो कि तुमको करना क्या है, फिर उसके लिए ढांचा तैयार करो। डेवलपिंग प्रीमिसेस कहाँ होगा, ये डेवलपिंग प्रीमिसेस कहाँ पे होगा बोलो, एजम्पशन सेफ बनाओ, कैसे होगा फ्यूचर में, किस तरीका से होगा। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है क्या? माने उससे संबंधित जो रिलेवेंट फैक्ट को लिखो, इन्फॉर्मेशन को लिखो सारे पेपर वर्क। फिर क्या, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, पहचानो कि कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, क्या क्या तुम करोगे, उस पर से मूल्यांकन करो कौन बेटर है, जो बेटर उसका क्या करो सिलेक्शन। फिर इम्प्लीमेंट, फॉलो अप एंड रिव्यू, क्लियर है क्या? ये पूरे का पूरे क्या, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, क्लियर है? बिना ऑब्जेक्टिव का क्या प्लान करोगे, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर क्या करो भाई, डेवलपिंग प्रीमिसेस, बोलो क्या बोले हैं, फिर क्या, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटिंग एन अल्टरनेटिव, फिर क्या, सेलेक्टिंग द सॉरी सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, फिर क्या करेंगे भाई, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एंड रिव्यू, क्लियर है क्या? पक्का पक्का आगे बढ़े हम लोग, बोलो क्लियर पक्का। नेक्स्ट हम लोगों का है, ये तो हुआ हम लोग का कौन सा, प्लानिंग प्रोसेस। एक अच्छा प्लान का फीचर्स ऑफ गुड प्लान, एक अच्छा प्लान का क्या विशेषता हो सकता है, किसका बात कर रहे हैं भाई, फीचर्स ऑफ ए गुड प्लान, फीचर्स ऑफ ए एक अच्छा प्लान का क्या क्या विशेषता हो सकता है, फीचर्स ऑफ क्या बोलो, फीचर्स ऑफ ए गुड प्लान, फीचर्स ऑफ ए क्या, गुड प्लान, एक अच्छा प्लान का क्या विशेषता हो सकता है, फीचर्स ऑफ ए कौन सा प्लान, गुड प्लान। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, किसका बात कर रहे भाई, फीचर्स ऑफ ए गुड प्लान, बोलो क्या बोले हैं, अच्छा गुड प्लान का क्या फीचर्स हो सकता है, कि पहला इट शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव, ये क्या चीज को डिफाइन करना चाहिए भाई, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना चाहिए, इट शुड डिफाइन क्या, ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको ये जरूर से डिफाइन करें, गुड प्लान का विशेषता है तो ऑब्जेक्टिव। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, इट शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव, इट शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, जैसे हमारा ही संगठन है, ये कोचिंग चल रहा था, हम लोग का हमेशा चेष्टा रहता है कि बच्चे को बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाए। समझ रहा, जो कि हम लोग करते भी, बेस्ट क्वालिटी का क्या दिया जाए बच्चे को, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से उनका भविष्य बदलने वाला है। समझ रहे, उनका डेवलपमेंट होने वाला है, एक समझ पा रहे रेस्पॉन्सिबल और नागरिक बनने वाले हैं देश का कम से कम। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे, और यही चीज़ हम लोग अपने स्कूल में भी रखते हैं, क्योंकि गार्जियन तो भरोसे पे देके चला गया है, वो हमारा जिम्मेवारी है कि उसका बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करवाना, डेवलपमेंट करवाना। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, बेहतरीन ढंग से उसको एजुकेशन देना, ये हमारा जिम्मेवारी। समझ गए, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या होता है, समझ, हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं समझे? अच्छा ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है, पैसा कमाना है, तब तो क्वालिटी आपका गड़बड़ हो जाएगा। अरे पैसा तो आउटपुट है, पैसा क्या है, आउटपुट है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम करेंगे तो पैसा। समझ रहे, ठीक से बैठिए बेटा, गिर जाएगी। तो आइए पहला क्या, इट शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव, बोलो क्या बोले हैं, इट शुड बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए, सबको समझ में आए, इट शुड बी सिंपल होना चाहिए, समझ पा रहे, इट शुड बी क्लियर, क्लियर कट होना चाहिए, इट शुड बी क्या, क्लियर, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी क्लियर, ये पहला क्या बोले, बोलो इट शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव, बोलो क्या बोले हैं, इट शुड डिफाइन, दूसरा इट शुड बी सिंपल, तीसरा इट शुड बी क्लियर, बोलो क्या बोले हैं, चौथा इट शुड बी फ्लैक्सीबल, फ्लैक्सीबल होना चाहिए, फ्लैक्सीबल मतलब किसी भी परिस्थिति में चेंज कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, जैसे आप लोग क्या फ्लैक्सीबल, आप लोग क्या है, जैसा परिस्थिति आ रहा उसमें अपने आप को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो प्लानिंग भी फ्लैक्सीबल होना चाहिए कि हम अपने आप को क्या कर लें, एडजस्ट कर लें, इट शुड बी क्या, फ्लैक्सीबल, बोलो क्या बोले हैं, समझ में आ रहा है।
इट शुड बी प्रैक्टिकेबल, बोलो क्या बोल रहे हैं, इट शुड बी क्या, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल माने जो प्लान कर रहे हो ना वास्तव में प्रैक्टिकेबल हो, मतलब लागू करने वाला हो, वास्तव में वैसा चीज हो सकता है, ऐसा अजूबा प्लान मत कर दो कि होगा ही नहीं, समझ रहे हैं, माने प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे, माने आप जो प्लान कर रहे हैं वास्तव में वो जमीन पे उसको उतारा जा सकता है, उस पे काम किया जा सकता है, ये आपके पास प्लान होना चाहिए। कितना लोग पगला वाला प्लान नहीं करता है, पगला वाला प्लान करता है कि नहीं करता है, तो पगला वाला प्लान से होगा क्या, वो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। इट शुड बी क्या, प्रैक्टिकेबल, बोलो क्या बोले, इट शुड बी क्या, इट शुड बी क्या, प्रैक्टिक, प्रैक्टिक क्या बोलो, इट शुड बी प्रैक्टिकेबल, माने ऐसा, इट शुड बी प्रैक्टिकेबल, माने ऐसा प्लान होना चाहिए जो प्रैक्टिकेबल हो, नहीं समझे क्या बोले कि नहीं समझे, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। ये सारे के सारे गुड प्लान के क्या फीचर्स है, गुड प्लान के क्या है, तो पहला क्या है बाबा, इट शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव, दूसरा इट शुड बी सिंपल, तीसरा इट शुड बी क्लियर, चौथा इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी प्रैक्टिकेबल, समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है क्या, बोलिए क्लियर है। तो प्लान कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकेबल, माने किया जा सके, उसको धरातल पर उतारा जा सके, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकेबल, क्या कहते हैं, माने अलतू फालतू प्लान मत करिए, अलतू फालतू वाला प्लान मत करिए, ऐसा प्लान जो पृथ्वी पर लाया नहीं जा सकता, उसको किया ही नहीं जा सकता है, ऐसा प्लान मत करिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। जैसे एक सर थे, हिंदी मीडियम का सर थे, तो पढ़ाते थे बच्चे लोगों को, कन्या स्कूल का बच्चे लोगों को पढ़ाते थे, तो क्या हुआ कि वो कह रहे थे कि हम 11 का स्कूल खोलना चाहते हैं, खाली 11-12 खाली 11-12 का स्कूल खोलना चाहते हैं, वो भी हिंदी मीडियम का, कन्या स्कूल जितना पैसा लेता है उतना इसी पैसा में पढ़ाएंगे, और थोड़ा मंथली कम लेंगे, थोड़ा मंथली कम लेंगे, उनका ये प्लान था, समझ रहे क्या बोल रहे, समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे, उनका कहना था ये, हमसे बोले कि ऐसा करना चाहते हैं, हम लोग कर दीजिए, चले जगह दिखा दे रहे हैं, सब व्यवस्था करा दे रहे हैं आपको, नहीं समझे क्या लग रहा है आपको, प्रैक्टिकेबल बात है, बच्चा कैसे आएगा, सिर्फ 11-12 बोर्ड के स्कूल कुछ नहीं होता, नर्सरी से होता है या 1 से होता है, ये पॉसिबल ही नहीं, कॉलेज थोड़ी है भाई, कैसे आएगा। और आप क्या एडमिशन लीजिएगा तो आपको तो कहीं ना कहीं से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो आप 3,000 रुपये में एडमिशन लीजिएगा, खन्ना स्कूल 3,000 में एडमिशन लेता है, रजिस्ट्रेशन का 7,000 रुपये लगेगा, घाटा तो खा गया वहीं पर चाह रहे, नहीं समझे, 100 रुपये बच्चा ले लिया तो कमाने का चक्कर में 4 लाख घाटा हो गया, आप महीना लीजिएगा तो स्टाफ जोगा लेना पड़ेगा ना, जो वहीं तो 20,000 का भाव लग जाएगा, मान 1 रुपया कैलकुलेशन में बचने वाला नहीं है, क्या ये प्रैक्टिकेबल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्लान, नहीं समझ में आया क्या बोले। तो जबकि हुआ नहीं, ये सब जुमलाबाजी है, तो हमसे पूछ रहे थे, तो वो सोचे कि हम क्यों बोल दिए कि चले खुलवा दे रहे, नहीं सो टीचर है तो नहीं हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हमने चले अच्छा बात है खोल लीजिए, आइए किसका बात करें हम लोग, प्रैक्टिकेबल, क्लियर है क्या, ये सारे के सारे क्या है, गुड प्लान के फीचर्स है, गुड प्लान के पहला क्या है, इट शुड डिफाइन, दूसरा इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, अलतू फालतू वाला प्लान नहीं करना चाहिए, नहीं समझे, समझे कि नहीं, लड़का लोग प्लान नहीं करता है, बेटा अपना महिला मित्र का चक्कर में बोलता है तुम्हारे चांद तारा तोड़ के ला के रख देंगे, ये मेरा प्लानिंग है, चांद पर लेके चलेंगे, ऐसा कहीं से लेके जाएगा, ये सब प्लान मत करो, अलतू फालतू प्लान मत करो, समझे, ढंग का बात बोलो कि सोना चांदी चमन पर स्किन देंगे, ये पॉसिबल है, सोना किन देंगे पॉसिबल है, चांदी गिन देंगे पॉसिबल, चमन प्राइस भी गिन के दे देंगे, चांद पर कैसे लाएगा भाई, चांद को तुर कैसे लाएगा, पॉसिबल है नहीं, इट शुड भी क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल, ठीक है क्या, ऐ पहला क्या बताओ, इट शुड डिफाइन क्या, ए इट शुड डिफाइन, दूसरा इट शुड बी सिंपल, तीसरा इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, और कौन, इट शुड बी प्रैक्टिकेबल, बोलो क्या बोले हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लान दो तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म प्लान है, बात दो तरीके का प्लान होता है, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, बोलो क्या बोले, शॉर्ट टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान का डेफिनेशन है कि शॉर्ट टर्म प्लान, नाम से तो पता चल रहा है, ऐसा प्लान जो कुछ दिनों के लिए होगा, और लॉन्ग टर्म प्लान मतलब ऐसा प्लान जो लंबे समय के लिए होगा, लॉन्ग टर्म प्लान,
तो देखो शॉर्ट टर्म प्लान मीन्स प्लानिंग मेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म प्लान मीन्स प्लानिंग मेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म प्लान मीन्स प्लानिंग मेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, बोलो क्या बोले, शॉर्ट टर्म प्लान मीन्स प्लानिंग मेड फॉर शॉर्ट टर्म प्लान मीन्स प्लानिंग मेड फॉर कौन सा पीरियड, और लॉन्ग टर्म प्लान मीन्स प्लानिंग मेड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, लंबे समय के लिए जो प्लानिंग करोगे उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, और शॉर्ट टर्म प्लान मैंने शॉर्ट समय के लिए करोगे, कुछ दिनों के लिए करोगे, क्लियर है क्या? शॉर्ट टर्म प्लान होता है इट इज ऑपरेशनल इन नेचर, काम को चलाने के लिए प्लान किया जाता है कि काम को बढ़िया से करना है, ढंग से करना है, इट इज ऑपरेशनल इन नेचर, इट इज ऑपरेशनल इन नेचर, इट इज ऑपरेशनल इन। और दूसरा क्या है लॉन्ग टर्म प्लान का, क्या भाई, इट इज स्ट्रेटजिक इन नेचर, क्या है स्ट्रेटजिक, पूछेगा टिक्की में कि स्ट्रेटजिक इन नेचर का कौन सा प्लान होता है, तो क्या बताएंगे लॉन्ग टर्म प्लान, क्या बताएंगे तो इट इज क्या होता है स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक का मतलब ये सबको नहीं आता है, लंबे समय के लिए प्लान करना सबको आता है, बड़ा बड़ा कंपनी लंबे समय के लिए प्लान भी काम करता है, शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करता है, समझे क्या बोलते हैं, इट इज ऑपरेशनल इन नेचर, इट इज स्ट्रेटजिक इन नेचर, कौन सा बोलिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है क्या, पक्का आगे बढ़े, इसका अनुमान लगाना बहुत ईजी है शॉर्ट टर्म के लिए ना, फोरकास्टिंग इज ईजी, फोरकास्टिंग इज ईजी, लेकिन इसका अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट, फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट, फोरकास्टिंग इज इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है, नहीं समझे, पक्का, तो फोरकास्टिंग इजी, फोरकास्टिंग डिफिकल्ट, फोरकास्टिंग इजी, फोरकास्टिंग समझ रहे क्या बोला कि नहीं समझे, समझे, जैसे देखिए इस बार हम लोग का स्कूल तो क्लास 11 का पहला साल है, तो ज़्यादा बच्चा नहीं मिला, पाँच ही थर्ड एडमिशन हुआ है, बढ़िया तो पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई, वो तो भरोसा पर एडमिशन कर रहा है, उसका भविष्य का बात, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि आज नहीं तो कल वो पाँच से 500 हो जाएगा, वहीं पर वहीं पर संख्या 500 कितना हो जाएगा, तो कब हो गई लॉन्ग टर्म में, तो इसका फोरकास्टिंग करना मुश्किल होता है, बट हमें है फोरकास्टिंग, होगा काम सही से कर रहा, क्यों नहीं होगा काम सही से कर रहे तो क्यों नहीं होगा, काम अगर आपका सही है तो होगा, बात खत्म, समझे क्या बोले, तो यहाँ पर फोरकास्टिंग ईजी है शॉर्ट टर्म के लिए, फोरकास्टिंग इतना नहीं है अभी सारा पास टू कब होगा 500 कौन बनता है, होगा भाई, तो ये वाला फोरकास्टिंग ईजी है, लेकिन ये वाला डिफिकल्ट है अनुमान लगाना थोड़ा, समझ पा रहे हैं, ये कैसे बनता है शॉर्ट टर्म प्लान कैसे बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज एंड नॉर्मल नॉलेज और तुम्हारे इंटेलिजेंस के हिसाब से बना लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान कैसे होता है भाई, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करिए डेवलप करिए, समझ पा रहे R&D के ऊपर होगा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड किसका बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान, बोलो क्या बोले हैं, शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान, कितना पढ़ा पूछ रहे फटाफट, प्लानिंग प्रोसेस क्या बता फटाफट, डेवलपिंग प्रिंसिपल्स, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, फिर सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, फिर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फिर फॉलो अप एंड रिव्यू, फॉलो अप एंड गुड प्लान का फीचर्स क्या हो सकता है, इट शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी प्रैक्टिकेबल, समझ पा रहे क्या बोल रहे, क्लियर है क्या, दो तरीका का प्लान है शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान, हम हाफ बोल रहे हैं आप लोग हाफ बोलिएगा, शॉर्ट टर्म प्लान मीन्स प्लान मेड फॉर कौन सा पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म प्लान मीन्स प्लान मेड फॉर, यहाँ पे क्या फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग ये कौन सा नेचर का है ऑपरेशनल, ये कौन सा नेचर है स्ट्रेटजिक, कौन सा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज का आधार पर, जनरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, और ये क्या चीज का आधार पर बताएंगे, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लियर है क्या, आराम से लिख देंगे, किसका बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान, बोलो क्या बोले हैं, अब प्लान दो तरीका का होता है, प्लान दो तरीका का होता है, सुन लो ध्यान से, प्लान कितना तरीका का होता है बाबा, दो तरीका, प्लान दो तरीका का होता है, एक होता है आपका सिंगल यूज, बोलो क्या बोले हैं, बोलो बोलो बोलो, टाइप्स ऑफ प्लान हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लान, तो अभी तो बताया कि दो तरीका का, तो पीरियड के हिसाब से दो तरीका का, ऐसे बहुत तरीका का, टाइप्स ऑफ क्या प्लान, बोलो क्या बोल रहे हैं, या इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनगिनत टाइम पूछा गया, एलिमेंट्स ऑफ क्या बोलो, एलिमेंट्स ऑफ क्या प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, या इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, बोलो क्या बोले हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, या क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, जोर से बोलो क्या बोले, टाइप्स ऑफ प्लान या एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान या, पहला प्लान है हम लोगों का सिंगल यूज, बोलो क्या बोले हैं, सिंगल यूज, और दूसरा जो प्लान हम लोग का कौन सा यूज है भाई, स्टैंडिंग यूज, कौन सा यूज, अरे सिंगल यूज और कौन सा यूज,
सिंगल यूज का मतलब होता है लिखो फेंको, माने नो रिपीटेबल यूज, नो रिपीटेबल यूज। जैसे आप लोग पेन ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, लिखो और फेंको, नहीं समझे? उसका नाम भी पीछे फेमस हुआ था, लिखो फेंको पेन दीजिए, माने लिखो और फेंको। 3 रुपया वाला जो मिलता है, कहीं कहीं अब 4 रुपया भी हो गया है, कहीं कहीं पे 4 रुपया भी हो गया है, तो वैसा पेन मतलब क्या, खत्म हो गया, फेंको, माने यूज एंड थ्रो, यूज एंड, नहीं समझा? तो लिखो फेंको है ना, है कि नहीं? किसका बात कर रहे हैं? तो ऐसा ही प्लान होता सिंगल यूज, एक बार इस्तेमाल हो गया, बार बार इस्तेमाल नहीं होगा। सिंगल यूज का मतलब नो रिपीटेबल यूज, नो रिपीटेबल माने आप बार बार इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, नो रिपीटेबल यूज, नो रिपीटेबल यूज, बोलो क्या बोले, नो रिपीटेबल यूज, समझे? सिंगल यूज प्लान में दो चीज आता है, प्रोग्राम और बजट, बोलो क्या बोले, जोर से बोलो, प्रोग्राम और बजट, दो ही चीज आता है सिंगल यूज प्लान में, क्या होता है, प्रोग्राम बजट, बोलो क्या बोले, प्रोग्राम का मतलब होता है, प्रोग्राम का मतलब होता है डिटेल्स लेआउट ऑफ वर्क, डिटेल्स लेआउट ऑफ, पूरा डिटेल लिख देते हैं क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव क्या, पॉलिसी क्या, सब कुछ लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम, क्या कहते हैं, प्रोग्राम। तब बार बार प्रोग्राम तुम्हारा सेम ही रहेगा, बार बार प्रोग्राम सेम ही रहेगा। मान लो आदम जमाना में तुम्हारे घर में शादी जिस तरीके से हुआ था, उसी तरीके से शादी आज भी होता है, वही डिब्री जला के होता है, कि कुछ स्टैंडर्ड लाते हो, वही बैंड बजा बजता है, कि ऑर्केस्ट्रा बजाते हो आजकल, नहीं समझा क्या बोल रहे हैं? प्रोग्राम आपके घर में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? शादी ब्याह हुआ होता जैसे पहले होता था, तो परंपरा सेम हो सकता है, लेकिन उसका जो खर्च होता है, जो तरीका होता है, समझ पा रहे हैं, वो क्या सेम ही रहेगा? क्या आदम जमाने में ऐसे हुआ था, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं, प्रोग्राम चेंज होते रहता है, तो कंपनी का प्रोग्राम चेंज होता है, एक प्रोग्राम को बार बार यूज नहीं कर सकते, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ वर्क, बोलो क्या बोले, प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ, हमारे बच्चे नॉर्मल है, आगे बढ़े। बजट माने अनुमान लगाना, क्या लगाना, बजट माने क्या करना, शुरू शुरू मान लो काम खोले, बिजनेस खोले, तो अनुमान लगाए कि 100 रुपये डेली कमाई हो जाएगा, तो क्या जीवन भर 100 रुपये कमाएंगे? फ्यूचर में तो अनुमान बनेगा, खर्च बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसको हम कहते हैं बजट, क्या कहते हैं? सरकार जब शुरू शुरू बना होगा हमारे देश में, तो बजट लेके आया होगा कितना खर्च करना है, तो उस समय बजट तो कम था, मान लो एग्जाम्पल उस समय बजट था 1 लाख रुपया का, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ पा रहे? मान लो बजट कितना का था, 1 लाख, आज कितना है भाई, 100 करोड़ का, नॉर्मल बात है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अभी जो बजट बनता है, समझ पा रहे हैं, 1000 करोड़ का बनता है, पहले बजट कितना का था, अभी कितना करोड़ का बजट, बजट चेंज हो रहा है ना, बार बार सेम ही बजट को इस्तेमाल करोगे, तो ये सिंगल